दोस्तों, आज हम सुनेंगे सौंदर्य की नदी नर्मदा का एपिसोड 5, अध्याय 9, बर्मान घाट से सांडिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सबसे उपेक्षित हैं ब्रह्मा। मनुष्य सर्वाधिक भयभीत मृत्यु से रहता है, इसलिए संहार के देवता शिव की बड़ी भक्ति करता है। विष्णु पोषण करते हैं, इसलिए उनके अवतार राम और कृष्ण की पूजा भी कम नहीं होती। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं, उन्हें जो सृष्टि करनी थी कर चुके, अब उनसे क्या लेना देना। अतः बूढ़े ब्रह्मा का कोई नाम नहीं लेता। यह देखकर भला लगा कि इस स्थान का नाम ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मा घाट है, अब बर्मान घाट हो गया है। हम छोटी बर्मान में हैं, सामने बड़ी बर्मान है, वहाँ काफ़ी बड़े घाट हैं। यहाँ आने से पहले नर्मदा दो धाराओं में बट जाती है, बीच में बड़ा द्वीप है। रात को अंधेरे में आए थे, इसलिए ध्यान नहीं गया था, अब साफ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा द्वीप नर्मदा में इससे पहले कहीं नहीं है। आज एकादशी है, दोनों तटों पर स्नानार्थियों की भीड़ है। बर्मान में हर एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन छोटा मोटा मेला भरता है। सबसे बड़ा मेला संक्रांत में भरता है, जो एक महीने तक चलता है। नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में यह शायद सबसे बड़ा है। तीसरे पहर चल दिए, एक ग्रामीण का साथ हो गया। नर्मदा की खड़ी कगार पर पगडंडी सकरी हो गई है, सकरी और फिसलन भरी, जरा चूके और गए। मैंने कहा यह तो बड़ी खतरनाक है। एक बार एक बाबा यहाँ से लुढ़क गया था, सीधे पानी में गिरा। फिर क्या, उसे तैरना आता था, निकल आया, सामान बह गया, लोगों ने दूसरा सामान दिला दिया, दूसरे दिन ही आगे बढ़ गया, रुका नहीं। थोड़ी देर में बारिया आ गया, रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई तो यहीं रुक गए। ठंड अचानक बढ़ गई, देर तक अलाव के पास ही बैठे रहे। कंडे देखकर पंडित ने गाकड़ बनाए, अब वह बढ़िया गाकड़ बनाने लगा है। भिनसारे चल दिए, रास्ते में एक किसान के घर ताजे टमाटर थे, तो हमने टमाटर खरीदे। उसकी स्त्री भैंस लगा रही थी, तो दूध भी खरीदा और वहीं पी गए। अभी अभी जो दूध भैंस के पेट में था, अब वह हमारे पेट में है। मनुष्य की एक परिभाषा यह भी हो सकती है, जो दूसरों के पेट की चीज निकालकर अपने पेट की पिटारी में ठूसने में माहिर हो, उसे मनुष्य कहते हैं। किसान ने हमसे पूछा, आगे तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कोई समाचार देना हो तो कहो। उसने कहा, ढाना में मेरे समधी रहते हैं, नाम है धन्नू, गांव में जाते ही घर पड़ेगा। अमरूद और नींबू के बहुत से पेड़ लगे हैं, उन्हें हमारे कुशल मंगल कहना। तीसरे पहर ढाना पहुँचे, धन्नु के घर गए तो 90 वर्ष के वृद्ध से भेंट हुई, वे धन्नु के पिता थे। उनके समधी के समाचार देकर कहा, अगर आपके यहाँ जगह हो तो रात यहाँ रुकें, नहीं तो आगे बढ़ें। सुनते ही वृद्ध ने कहा, क्या कहा, जगह ना हो तो आगे बढ़ें? राम राम, यह क्या कहा, घर में भला जगह ना होगी, ऐसा कभी हो सकता है? फिर तुम तो हमारे समधी का नाम लेते हुए आए हो, अब तो समधी बाद में, तुम पहले। बहू, आंगन बुहारो, दरी बिछाओ, ठंडा जल लाओ, पाहुने आए हैं। वृद्ध आंखों से लाचार हो गए हैं, मोटे कांच का चश्मा पहने हैं, चश्मे में कमानियां नहीं हैं, धागे से कानों में लपेटे हैं, इतने खुश हैं मानो उन्हीं के नाती पोते आए हों। एक बच्चा पेड़ से तोड़कर अमरूद दे गया। घर की बहू ने आंगन में रखे चूल्हे को गेरुए रंग की मिट्टी से पोत दिया, कंडे और लकड़ियां रख दी, पानी से भरी कसड़ी रख दी, भटे और टमाटर दिए। बहू को जब पता चला कि हम सांडिया जा रहे हैं, तो उसकी खुशी का क्या कहना, वहां उसका मायका जो है। मैंने पूछा, जिस मिट्टी से तुमने चूल्हा पोता, वह कहाँ से लाती हो? उसने घूंघट में से ही कहा, यहीं मिल जाती है, खोद कर ले आते हैं। आप सांडिया जाएंगे तो माँ के लिए दूंगी,
आप ले जाना, वहां नहीं मिलती। पतोहू के भोलेपन पर मुस्कुराते हुए वृद्ध ने कहा, ये लोग मैया के किनारे किनारे जाएंगे, उन्हें वहां पहुंचने में समय लगेगा। फिर ये सामान से वैसे ही लदे हैं, मिट्टी कैसे ले जाएंगे। खेत के आते आते धन्नु को अंधेरा हो गया, साथ में उसका जवान बेटा भी था। रात को अंगीठी के पास की जगह दे दी तो अच्छी नींद आई। सुबह वृद्ध इस बात का रंज करते रहे कि हमने उनके घर का आटा चावल नहीं लिया, अपने ही राशन से भोजन बनाया। चलने लगे तो अपनी करीब करीब अंधी आंखों से हमारी ओर स्नेह से देखते रहे, उनके चरणों में माथा टेक कर हम ही आगे बढ़ गए। यहाँ से रास्ता खेतों में से था, दूर दूर तक फैले खेत बड़े ही प्यारे मालूम होते थे। कुछ इतने शांत इतने मधुर थे वे, ओस से भीगे अरहर के खेतों की कोमल सुमष्ट सुगंध हमें पुलकित कर रही थी। खेतों में सियारी और उन्हारी, रबी और खरीफ दोनों फसलें खड़ी थी। ज्वार और अरहर सियारी फसल थी जो अभी भी कई खेतों में खड़ी थी। गेहूं और चने की उन्हारी फसल धरती में से सिर निकाल रही थी। छोटे छोटे पौधों की समांतर पंक्तियों के कारण ये खेत किसी विशाल दस्तावेज की तरह जान पड़ते हैं। धरती ने मानो मनुष्य के नाम हरीशाही से लिख दिया कि तुम्हारा दिया 4 महीने में 24 गुना करके लौटा दूंगी। बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं। रास्ते में आम के नीचे सुस्ताने बैठे तो साठे का ध्यान पेड़ में लगे गुब्बारों जैसे आकारों पर गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे लाल चींटों के घर थे। पेड़ों के पत्तों और टहनियों को इनमें चिन लिया गया था और मोम जैसे किसी पदार्थ से जोड़ दिया गया था। क्या मजाल है कि पानी की एक बूंद भी अंदर जा पाए। उत्सुकतावश एक गुब्बारे में छोटा सा छेद किया तो अंदर छोटे छोटे खंड नजर आए। इनमें कोई मंडप होगा, कोई महामंडप तो कोई गर्भगृह, शायद रंगशाला भी हो। तभी कुछ चींटे इकट्ठे हो गए, देख दाख कर चले गए और दूसरे चींटों को बुला लाए। ये शायद उनके मिस्त्री थे। छेद होने के कारण जो परत लटक गई थी उसे उन्होंने भीतर से खींचा और देखते देखते इस सफाई से जोड़ दिया कि पता तक न चले। यह भले ही उनकी पर्ण कुटी हो पर चींटों के हिसाब से बहुत बड़ी थी और भवन निर्माण कला का अद्भुत नमूना थी। भटेरा का मंदिर नर्मदा तट पर है, वहां कमरा मिल गया तो निश्चिंत हो गए। यहाँ नर्मदा में बड़ी नाव चल रही थी, नाव से बैलगाड़ियां पार हो रही थी। बैलगाड़ियां आधी नाव में और आधी नदी में रहती। बीच में अनाज के बोरे और सवारियां, कोने में बैल। एक मल्लाह केवल एक बांस के सहारे पूरे काफिले को एक पार से दूसरे पार कर देता। मंदिर के पुजारी के परिवार में कोई नहीं। सामने तट के गांव में उनके भाई की बच्ची नाव से आती है और खाना बना जाती है। बातें होने लगी तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। कोई 10 वर्ष पहले की बात है, इसी कमरे में एक परकम्मावासी बाबा ठहरा था। एक दिन उसे तेज बुखार आया और उसका कोई इलाज हो सके इसके पहले ही मर गया। उस दिन होली थी, फाल्गुन की पूर्णमासी। यहाँ अच्छा खासा मेला भरा था। मेले में खबर फैल गई कि बाबा मर गया। देखते देखते मेला उजड़ गया, अकेला मैं रह गया। कोटवार थाने में रिपोर्ट लिखाने गाडरवारा गया। यहाँ मौत का सन्नाटा। रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं हुई तो गांव चला गया। दूसरे दिन दोपहर को कोटवार आया, पंचनामा हुआ और कोई 24 घंटे के बाद दाह संस्कार हुआ। उसके झोले में उसका पता था। घर वालों को खबर भिजवाई, वे रोते कलपते आए और रोते कलपते चले गए। घर से दूर अपरिचितों के बीच मरना कैसा लगता होगा। मरना सुखद तो नहीं, फिर भी अपने घर में कुटुंबियों के बीच मरना सुखद होता है। नई जगह में, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी कोई मरना नहीं चाहता। जन्म चाहे अस्पताल में हो, मृत्यु लेकिन घर में ही हो। सुबह उठे तो मंदिर का आंगन स्त्री बच्चों और पुरुषों से भर गया था। कई खुले में रजाई ओढ़े सो रहे थे, कुछ आग ताप रहे थे। किनारे बैलगाड़ियां खड़ी थीं और बैल पगुरा रहे थे। रातों रात यह क्या हो गया।
आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, आज यहाँ मेला भरेगा। सिर्फ यही नहीं, समूचा नर्मदा तट आज छोर से छोर तक हजारों मेलों से गूंज उठेगा। शोकलपुर में बहुत बड़ा मेला भरेगा, आज हम वहीं जा रहे हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। मैं और पंडित आगे थे, साठे और दुल्हानी पीछे रह गए। ऐसा हो जाता है लेकिन फिर मिल जाते थे, पर आज नहीं मिले। हम रुक जाते, देर तक इंतजार करते, फिर भी वे ना आते तो आगे बढ़ जाते। ज्यों ज्यों शोकलपुर पास आता गया, मेले में जाने वालों की भीड़ बढ़ती गई। हंसते चहकते लोगों के दल चले जा रहे थे। रंग बिरंगे वस्त्र पहने स्त्रियां मोरियों सी बाकी चाल से चली जा रही थीं। सभी बहुत खुश थे, निश्चिंत और उमंग तरंग से भरे। केवल मैं ही चिंतित था। दोपहर को शोकलपुर पहुंचे। यहाँ शक्कर नर्मदा से मिलती है, इसी संगम पर मेला भरता है। नर्मदा के दोनों तट पर भारी भीड़ थी। साठे और दुल्हानी अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मन व्यग्र था। मेरा विचार था कि हमारे बिना शक्कर पार नहीं करेंगे, इसलिए हम वहीं बैठ गए। पंडित से कहा, तुम जाकर मेला देखाओ, यदि आए होंगे तो मिल जाएंगे। कोई एक घंटे बाद पंडित खाली हाथ लौटा। मेरी चिंता बढ़ गई। तभी एकाएक सभी नावें तेजी से नदी में एक जगह इकट्ठी होने लगी। मछुए जाल फैलाने लगे, गोताखोर गोते लगाने लगे। पता चला नहाते समय दो युवक डूब गए हैं, उन्हीं को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा दिल बैठ गया, अपने आप को कोसने लगा। क्यों साठे और दुल्हानी को पीछे छोड़ाया? थोड़ी देर रुक जाता तो कौन सा नर्थ हो जाता? आखिर रहा न गया, मेले की पुलिस चौकी की ओर चला। शक्कर में उतरा, धारा के मध्य पहुंचा ही था कि सामने दुल्हानी। मानो दीपक जल उठा और अंधेरा दूर हो गया। शक्कर मुझे शक्कर से भी मीठी जान पड़ी। साठे सामान के पास बैठा है, दुल्हानी बड़ी देर से हमें खोज रहा है। वे शक्कर के उस पार थे, हम इस पार, और भीड़ भी खूब थी, इसलिए ढूंढने में इतना समय लगा। चारों इकट्ठे हो गए, ऊंची कगार पर बैठ के मेला देखने लगे। डूबने वाले दो भाई थे। इसी बीच गोताखोरों ने छोटे भाई को बचा लिया, लेकिन बड़े भाई का शव ही निकला। उसके परिवार की स्त्रियों का क्रंदन देखा नहीं जाता। रात संस्कृत पाठशाला में रहे, वहीं पूरी बात का पता चला। पास के गांव का एक परिवार मेले में आया था। इस तट पर नदी एकदम गहरी है, तैरना कोई जानता ना था, इसलिए उस पार गए। वहां रेत है, नदी भी गहरी नहीं है। वहीं दो भाई नहा रहे थे, इतने में छोटे भाई का पैर चोर रेता में धंसने लगा। ज्यों ज्यों वह निकालता त्यों त्यों अधिक धंसता। वह चिल्लाया तो बड़ा भाई बचाने दौड़ा, इसी में डूब गया। विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष का छात्र था। मौत की घड़ी कभी कभी रात के चोर की तरह आती है और पलक झपकते अपने शिकार को ले जाती है। आज तक हम रेत को सुरक्षित समझते थे, पर आज पता चला कि रेत में भी एक चोर रेत होती है जो अंदर से पोली होती है और प्राणलेवा हो सकती है। यहां से चले तो मन उदास था, पहले कभी इतने बोझिल मन से नहीं चले थे। दोपहर को खिरैटी पहुंचे। नर्मदा के किनारे एक पेड़ के नीचे खाना बनाने बैठे तो पानी की जरूरत पड़ी, लेकिन नदी की धारा उस तट पर थी और बीच में रेत का विस्तृत पाट। जब भी हमें पानी की जरूरत होती तो नदी की धारा बराबर उस तट पर होती। दो स्त्रियां नहाकर लौट रही थी। मंदिर में चढ़ाने के लिए एक स्त्री लोटा भरकर जल ला रही थी। सोचा इस लोटे का जल मिल जाए तो दाल चढ़ा दी जाए। उस स्त्री से पानी मांगा तो उसने तुरंत दे दिया। थोड़ी देर के बाद इसी तरफ एक पुरुष निकला। मुझे उम्मीद थी कि वह भी हमें पानी दे देगा, पर उसने दो टूक जवाब दिया, मुझे मंदिर में जल चढ़ाना है, और आगे बढ़ गया। बहन, उस दिन तूने भगवान को जल नहीं चढ़ाया, पर मेरे भीतर से कोई कहता है कि तेरा नागा नहीं हुआ। नदी से एक बैलगाड़ी आती दिखी, उस पर पानी से भरा बड़ा ड्रम रखा था, साथ में कसैड़ी भी। गाड़ी वाले से कहा तो उसने पानी से भरकर कसैड़ी दे दी, हमारा काम बन गया। रात गांव के मंदिर में रहे। रात को सोते समय याद आया कि आज से दिसंबर शुरू हो गया है, अक्टूबर नवंबर में चल चुका हूँ। मन में साध थी कि एकाद बार दिसंबर की ठंड में भी चलना हो। इस बार यह इच्छा अनायास पूरी हो गई।
सुबह चल दिए। दोपहर का खाना दूधी संगम के मंदिर में बना। नर्मदा की धारा उस तट पर है। नर्मदा के चौड़े रेतीले पाट को चीरती हुई दूधी उस तट पर जाती है। संगम तभी होता है। पाट नर्मदा का, प्रवाह दूधी का। नर्मदा का कोमल रेतीला पाट पाकर दूधी खूब पसर गई है। दूधी को पार करते हुए ही हम नरसिंहपुर जिले से होशंगाबाद जिले में आ गए। नरसिंहपुर जिले में हम किस तरह एक ही धक्के में आ गए थे, यह सहज ही याद हो आया। रात खैरा घाट की पांथशाला में रहे। बरामदे में सामान रखा। वहां एक नागा बाबा बैठा था। दूर एक औरत सिर झुकाए बैठी थी। वह थकी और परेशान लग रही थी, मानो लंबी बीमारी के बाद उठी हो। थोड़ी देर में उसने सिर ऊंचा किया। यह तो वही माँ थी। हम माँ बेटे को प्रायः भूल चुके थे, तभी माँ से मिलना हुआ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वह मुझे छोड़कर चला गया, कहकर सुबकने लगी। बेहद ठंड थी। हम कमरे में भी ठीक से सो नहीं सके। बार बार नींद खुल जाती। एक बार नींद खुली तो नज़र सीधे चांद पर गई। छप्पर में एक छेद था, उसी में से दिखाई दे रहा था। परसों पूर्णिमा थी, लेकिन ठंड के मारे चांदनी को भूल ही गया। किंतु आज तो भक्त के घर भगवान आए हैं। मैं शर्मिंदा हुआ। क्षमा याचना के साथ उस आसमानी जादूगर को निहारने लगा। पूर्णमासी जैसा ही पूर्ण कुंभ था, केवल थोड़ी पर खरोच खा गया था। एक झलक दिखाकर वह खिसक लिया। मैं भी मुंह ढांप लिया। ठंड के कारण मेरा सौंदर्य बोध मंद पड़ गया था। नागा बाबा ने बाहर धुनी रमा रखी थी, लेकिन वह स्त्री मामूली चादर ओढ़े रात भर पड़ी रही। जाने कैसे नींद आई होगी। सवेरे नागा बाबा उससे कह रहा था, पशु पक्षी भी अपना हित अहित समझते हैं, घोंसला बनाते हैं, तू तो अपना हित अहित भी नहीं समझती। शाम को लकड़ियां बटोरकर रात को आग जलाती तो ठंड में ठिठुरना ना पड़ता, लेकिन वह हाथ पर हिलाना नहीं चाहती थी। उसकी एक ही टेक थी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। रोज सुबह सबको जगाना पड़ता था, आज सभी अपने आप उठ बैठे। थोड़ी देर में सांडिया पहुंच जाएंगे। हमारी इस बार की यात्रा वहां समाप्त हो जाएगी। सभी को घर याद आ रहा था। सांडिया दिखाई देने लगा। नर्मदा की मुख्य धारा जो इस ओर थी उस तट को जाने लगी, लेकिन एक छोटी सी धारा इसी तट पर रह गई थी। हम इसी के साथ आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद यह ध्यान आया कि वह धारा जा नहीं रही है, आ रही है। मतलब यह कोई दूसरी नदी है। एक ही पाट में विरुद्ध दिशाओं में बहती दो नदियां। नदियों की ऐसी आवाजाही तो देखी नहीं थी। नर्मदा की इस नन्ही सहेली का नाम है अंजनी। नर्मदा से मिलने इस तट पर नहीं जाती, इसी तट पर बहती है और इसी तट पर मिलती है। यहीं पर बेटा मिल गया। हमने बताया तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है, तुम उसे छोड़कर चले आए। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। नाराज होकर वह माँ को छोड़कर चल दिया था, लेकिन अब उसका अपराध बोध जागा है, माँ को लेने वापस जा रहा है। सांडिया से नर्मदा पर लकड़ी का कच्चा पुल बन रहा था। वहीं स्नान किया, इस बार की यात्रा समाप्त की और घर के लिए रवाना हुए। जाने के पहले विदा लेते हुए मैंने कहा, माँ नर्मदे, रोज सुबह उठकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन आज नहीं किए। आज 3 दिसंबर है, मेरे गुरु आचार्य नंदलाल वसु का जन्मदिवस। जन्मदिवस ही नहीं, आज से उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। शांति निकेतन में उन्हीं के चरणों में बैठकर कला की शिक्षा ग्रहण की। उन्हीं से प्रकृति को प्यार करना सीखा। यदि उनसे शिक्षा न मिली होती तो परिक्रमा करना मुझे शायद ही सूझता। इसलिए आज तो बलिहारी गुरु आपकी जिन नर्मदा दीनी दिखाए। अध्याय 10। सांडिया से होशंगाबाद। नर्मदा भरपूर बह रही है, खूब पानी बरसा है इस साल। कहते हैं ऐसी वर्षा पिछले 100 सालों में नहीं हुई। वर्षा अभी अभी समाप्त हुई है, नर्मदा का पानी अभी भी मटमैला है। यहाँ नर्मदा पर लकड़ी का कच्चा पुल बनता है, लेकिन अभी उसके बनने में देर है। पानी कम हो तो बने। नारियल फोड़ने तक के लिए पत्थर नहीं था। एक नाव पर नारियल फोड़ा और नर्मदे हर
के घोष के साथ सांडिया से चल पड़े। दिन था 19 अक्टूबर 1983 और साथी था फूल सिंह। फूल सिंह गोंड नौजवान है, ऊंचा पूरा, हट्टा कट्टा, शायद ही कभी बोलता है, मानो बोलना जानता ही ना हो। रात माछा के मंदिर में रहे। मंदिर नर्मदा की कगार पर है, गांव दूर है। शाम को मैं कगार पर खड़ा नर्मदा को देख रहा था। पास के पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। देखने को नर्मदा का विस्तृत प्रवाह, सुनने को पक्षियों का संवेद गान और चुपचाप ढलती शाम, खूब अच्छा लग रहा था। तभी दूर से कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। वे इस बुरी तरह से भौंक रहे थे मानो एक दूसरे को चीर कर रख देंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। खुशी के साथ प्रायः दुख का पुछल्ला लगा रहता है। सुबह आगे बढ़े। थोड़ी देर में कुब्जा आ गई। कुब्जा और नर्मदा के ऐन संगम पर है अजेरा। एकदम खड़ी कगार पर होने के कारण यह गांव किसी हवा महल सा जान पड़ता है। लगता था फूंक मारते ही झोपड़ियां नीचे पानी में लुढ़क जाएंगी, कुछ कुब्जा में, कुछ नर्मदा में। हमने कुब्जा पार करनी चाही, लेकिन कंपा या कीच कांदा इतना अधिक था कि पैर रखते ही अंदर धंसते। नर्मदा से मिलने और उसके संग हो लेने की उतावली में कुब्जा मानो अपना असबाब यही भूल गई है। पहाड़ में एक किसान हल चला रहा था। उसने बताया कि दूर वह जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, लोग वहां से कुब्जा पार करते हैं। बरसात में नर्मदा और कुब्जा की धाराएं एक हो जाती हैं और इन खेतों की जगह पानी ही पानी लहराता है। अजेरा बरसात में टापू बन जाता है। उन खेतों में से, यानी नर्मदा और कुब्जा के दोआब में से चलकर लंबा घेरा लगाकर हमने कुब्जा पार की, तब अजेरा आ सके। शाम को गजनई पहुंचे। सामान से लदे फदे थे। गांव में घुसते ही एक ग्रामीण ने कहा, बड़ा आडंबर रखे हो। सारा आडंबर एक किसान के घर रखकर नर्मदा तट गए। वहां बैठकर नर्मदा की शोभा देखने लगे। थोड़ी देर के बाद एक नाव आई और उनमें से एक सज्जन उतरे। उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे कि गजनई में मेरी ससुराल है, चलिए वहां आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम खेतों में से जा रहे थे। मैंने कहा, खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। खेत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि खेतों में हल चल रहे हैं, बोनी हो रही है, अलसाए खेत जाग उठे हैं। अभी खलिहान में अच्छे नहीं लगेंगे, वे सोए पड़े हैं। जब फसल कटकर खलिहान में पहुंचेगी तब खलिहान अच्छे लगेंगे, उस समय खेत बेढंगे लगेंगे। इतना कहकर ऋतु वर्णन संबंधी एक कविता धारा प्रवाह सुना दी। मैंने कहा, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं। चौथी तक पढ़ा हूं, कुछ और सुनाइए। पाठ एक, ईश प्रार्थना, कहकर उन्होंने पूरी प्रार्थना सुना दी। पाठ 14, मूर्ख लड़का, कहकर मूर्ख लड़के की कहानी सुना दी। पाठ 44, रामायण के दोहे और दोहे सुना दिए। एक लंबी कविता के रूप में शेख चिल्ली की कहानी सुनाई। हर बार पहले पाठ का क्रमांक, फिर पाठ का शीर्षक, फिर पूरा पाठ। कोई 40 बरस पहले पढ़े पाठ उन्हें क्या खूब याद थे। आपको तो पाठों के क्रमांक तक याद हैं। शुरू में मैंने जो ऋतु वर्णन सुनाया था वह पाठ 64 है। अब पलटकर वे यदि मुझसे कहते, आप तो पढ़े लिखे हैं, अब आप ही कुछ सुनाइए, तो मैं उन्हें कवि के आश्रम में 5 वर्ष रहने के बावजूद एक भी कविता न सुना पाता। अच्छा हुआ उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा और मैं शर्मिंदा होने से बच गया। मेरी मानसिकता कुछ ऐसी रही है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, पर पढ़कर आगे का पढ़ो, और जब यह पढ़ना पूरा हो जाए तो दिमाग खाली का खाली। पर अब सोचता हूँ कि बहुत उद्रस्त करने की बजाय थोड़ा कंठस्थ करना ज़्यादा अच्छा है। जिस घर में हम सामान रखकर गए थे वही उनकी ससुराल थी। वहाँ हमारा रहने के साथ साथ भोजन का प्रबंध भी हो गया। सुबह आगे बढ़े। रेवा वन खेड़ी में नर्मदा में एक नाव देखते ही सदा
चुप रहने वाला फूल सिंह बोल पड़ा, अरे इसमें तो पर्दा है। पर्दा नशीन नाव, इस गोंड नौजवान ने कभी ऐसी नाव नहीं देखी थी। मैंने कहा, इस पर्दे को पाल कहते हैं, इसमें हवा भरती है तो नाव चलती है, फिर खेना नहीं पड़ता। इसके बाद ईश्वरपुर। ईश्वरपुर को राइन नदी ने तीन ओर से घेरा है। राइन को दो बार पार करके हम आगे बढ़े। तीसरी बार संगम के पास पार करना था, लेकिन कंपा देखकर छक्के छूट गए। होता यह है कि नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो सहायक नदी का पानी थम जाता है। इस रुके हुए मटमैले पानी की मिट्टी धीरे धीरे प्रवाह के दोनों ओर बैठती जाती है और यह कंपा या कीच कांदा बनकर रह जाती है। यह प्रायः संगम स्थल पर होता है। तब फेरा लगाकर नदी को पार करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। देनवा, पार करते समय तीन परकम्मा वासियों का साथ हो गया। 75 साल के वृद्ध दादू, 55 के अधेड़ कक्का और 28 का नौजवान रम्मू। दादू और कक्का मामा फूफा के लड़के भाई हैं। रम्मू इनका भतीजा है। खाते पीते किसान हैं। इनके मुंडे हुए सिर बता रहे थे कि परकम्मा उन्होंने अभी अभी उठाई है। जो जो परकम्मा आगे बढ़ती है, जटाजूट भी बढ़ते जाते हैं। अभी तक हम दो थे, अब पांच हो गए। पांच पांडव, तीन कुंती के, दो माद्री के। और दोपहर को हम जिस गांव पहुंचे, उसका नाम था पांडव द्वीप। नर्मदा तट पर बड़ी चहल पहल थी। यहाँ से तीन वृद्ध परकम्मा उठा रहे थे। उन्हीं को विदा करने आए थे उनके सगे संबंधी। हम बैठे कि एक स्त्री ने कहा, महाराज भोजन तैयार है, आप नहा आइए। भोजन हुआ, फिर चलने का समय हुआ। नाते रिश्तेदार रो रो कर तीनों को विदाई दे रहे थे। एक बच्ची अपनी दादा से लिपट कर सुबकियां भर के रो रही थी और किसी तरह अलग नहीं हो रही थी। मैंने देखा, हमारा नौजवान साथी रम्मू अपनी आंखें पोंछ रहा था। रम्मू बाका नौजवान है, लंबा, सुगठित और खुश मिजाज, बातूनी हद दर्जे का, उतना ही मिलनसार। रास्ते में कहने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, 7 वर्ष की बेटी, 4 वर्ष का बेटा। उनकी माँ अब नहीं है, बच्चों को भाई के घर छोड़ आया हूँ। उन्हें छोड़ते समय उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना आज हुआ। उस दिन जी कड़ा कर लिया था, बच्चों को सोते हुए छोड़ आया था। आज उस बच्ची को अपनी दादा से लिपटकर रोते देखकर मुझे मेरे बच्चे याद हो आए। मैं अपने को रोक न सका, आंसू ढुलक ही आए। सप्ताह भर से थमे आंसू मौका पाते ही बाहर आ गए। आंसू को कोई कब कैद कर पाया है। मारू कब आ गई, कुछ पता भी न चला। अभी हम किनारे पे ही थे कि रम्मू मारू में उतर गया। कंपे में 4-6 डग चला ही था कि एकाएक धसने लगा, जांघ तक धसता चला गया। वह बेहद डर गया था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अच्छा हुआ कि धसना रुका। हम लोग भी उसे हिम्मत दिलाते रहे, धसना रुका तो हिम्मत बढ़ी। पहले उसने लाठी निकाली, धीरे धीरे एक पैर निकाला, फिर दूसरा और वापस आ गया। आज तो मरते मरते बचा, अंदर ही अंदर चला जा रहा था। रेवा माई ने बचा लिया, वरना मारू तो मुझे मार ही डालती। लंबा चक्कर लगाकर मारू पार करने के सिवा और कोई चारा न था। किनारे किनारे ऊपर की ओर चले। गीले में जो कंपा मक्खन सा मुलायम था, सूखने पर वही कच्चे लोहे सा कड़ा हो गया था, तड़क कर टुकड़ों में टूट गया था और पैरों में कांटों की तरह चुभ रहा था। 75 साल के वृद्ध दादू का इस सूखी पपड़ियाई धरती पर चलना देखा नहीं जाता, पर उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। तभी एक ग्रामीण मिला, उसने कहा, इतना लंबा घेरा क्यों लगा रहे हो? उधर मारू जहां नर्मदा से मिल रही है, वहां जाइए, वहां आसानी से पार हो जाएंगे। असंभव, जब यहाँ इतना कीच कांदा है, तब संगम पर तो और भी अधिक होगा। वहां जाना व्यर्थ है, लंबा घेरा लगाकर मारू पार की। फिर पड़ा सतवासा। इस गांव में हमारे साथियों के परिचित रहते थे, उन्हीं के घर ठहरे। जब उन्हें
मारु प्रसंग सुनाया तो वे हंसकर कहने लगे, अभी दो रोज पहले ही गांव वालों ने संगम पर बेशरम की डगाले बिछाकर रास्ता बनाया है, आपने नाहक चक्कर लगाया। एक तो इतना बड़ा चक्कर लगाया, ऊपर से मूर्खों में अपना नाम लिखवाया। शाम को नर्मदा तट पर पूनों का भरा पूरा चांद निकला, धरती दूध से नहा उठी। कौन कहेगा कि दिन की धूप और रात की चांदनी मूलतः एक ही हैं। सूर्य प्रकाश जब सीधे आता है तो धूप कहलाता है, जब चंद्र ताल में नहाकर आता है तो चांदनी कहलाता है। भोर होते ही चल दिए। नदी तट की उपजाऊ मिट्टी देखकर मेरे किसान साथी कहते हैं, यह मिट्टी सोना उगलती है सोना। इस तरफ बबूल बहुत हैं। रम्मू या कक्का बबूल की पतली डगाल को पकड़कर झटके से खींचते हैं तो डगाल पेड़ से अलग, फिर हाथ से ही कांटे निकाल देते हैं। दातून तैयार। खाना भले ही रूखा सूखा मिलता हो, दातून रोज ताजा दम मिलती है। शाम को बछवाड़ा पहुंचे, गांव के चबूतरे पर सामान रखा, परकम्मावासी साथी सदाव्रत लेने निकल गए। मैं आश्रय की खोज में था, तभी एक शिक्षक आए, उन्होंने गौशाला खाली की। वह लिपि पुती और साफ सुथरी थी, वह हमें दे दी। शाम को बातें होने लगी, कहने लगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ एक टेप रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए, जहां कहीं अच्छे लोग संगीत सुनने को मिले तुरंत टेप कर लीजिए। इतने में घर से बुलावा आया तो घर चले गए, हम लोगों के लिए चाय दूध ले आए। फिर कहने लगे, आप स्केच करते हैं यह ठीक है, पर आपको एक कैमरा भी रखना चाहिए, बार बार स्केच करने का समय कहाँ। बीच बीच में उठकर घर चले जाते, जब भी आते नया सुझाव लेकर आते। इस बार तो कहने लगे, आप जब परिक्रमा कर रहे हैं तो कम से कम तीन घर में भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी रखूं और भिक्षा भी मांगूं, भला कौन देगा भिक्षा। लेकिन अब की जो सुझाव लेकर आए थे वह एकदम दिव्य था। आप राशन लेकर चलते हैं यह ठीक है, लेकिन आपको थोड़े काजू किशमिश लेकर चलना चाहिए। खूब भूख लगी हो और भोजन बनने में देर हो तो 50-50 ग्राम काजू किशमिश खा लिए। क्या ही अच्छा हो यदि भिक्षा में लोग हमें काजू किशमिश ही दे दें, तब इनके दो सुझावों का एक साथ पालन हो जाएगा। हालांकि काजू किशमिश खाए इतना अरसा हो चुका है, अब तो यही समझ में नहीं आएगा कि कौन काजू और कौन किशमिश। सवेरे चल दिए। गनेरा के बाद नर्मदा का साथ छूट गया, अब कोई 10 किलोमीटर तक नर्मदा का साथ नहीं रहेगा, उसने अपना पार्ट बदल दिया है, दूर चली गई है, मानो पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने गई है। लेकिन परकम्मावासी इस पुराने सूखे पार्ट को लांघते नहीं हैं, इसलिए हमने भी इसे लांघा नहीं, इसी के संग संग चले। इसे बूढ़ी नर्मदा कहते हैं। बरसात अभी अभी खत्म हुई है, इसलिए इस पुराने पार्ट में कहीं कहीं पानी भरा था और कहीं खेती हो रही थी। दोपहर को गौ घाट पहुंचे। कैसा एकांत स्थान, वृक्षों की घटा के कारण यह स्थान किसी आश्रम सा लग रहा था। पेड़ों पर हजारों तोते मंडरा रहे थे। नहाने के लिए कुंड था, यहाँ परकम्मा वासियों का अच्छा जमघट था। लेकिन ये सभी यहाँ से सीधे होशंगाबाद चल देंगे, नर्मदा के किनारे किनारे जाने में बड़ा फेरा लगाना पड़ता है। हम बूढ़ी नर्मदा के संग आगे बढ़े। बाईं ओर लाल पीली या कत्थई रंग की उठती गिरती टेकरियां साथ थीं, दाहिनी ओर नर्मदा का पुराना पाट था जो अब सपाट हो गया है। मन में कैसा कैसा लग रहा था, नर्मदा नहीं भी है और है भी। रात बीकोर में रहे। आहार खेड़ा से नर्मदा फिर मिल गई, उस तट से पहाड़ियों ने झांकना शुरू कर दिया। अब हमारी पगडंडी उबड़ खाबड़ टीलों में से थी और झाड़ी भी शुरू हो गई थी। सूरज कुंड पहुंचते दोपहर हो आई, मोहक मोड़ लेती नर्मदा मानो यहाँ एकांतवास कर रही है। नदी तट पर घंटियाँ टनटनाते पशुओं के झुंड और दो तीन ग्वालों के अलावा और कोई नहीं था। ऊपर एक कुटी में सौम्य स्वभाव के एक युवा सन्यासी रहते थे, उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे,
6-7 बरस पहले की बात है, एक दिन एक सन्यासी आए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। मैं नहाकर आ रहा था, मैंने उन्हें देखा, पर वे कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुप रहा। शाम हो गई, अब मुझे चिंता हुई, जाकर देखा तो वो वैसे ही बैठे थे। उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाया, उनकी सारी व्यवस्था की। वे यहाँ कोई 5-6 दिन रहे। बंगाल के थे और वेदांत के प्रकांड विद्वान। मैं भी वेदांती साधु हूँ, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं न जाता तो वे स्वयं न आते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भिक्षा तक नहीं। शाम को गोरा पहुँचे। बाढ़ में यह गांव 2 बार तबाह हो चुका है, अब नदी से दूर चला गया है। नदी के किनारे 6-7 घर बचे हैं। नर्मदा तट पर बनी कुटी में रात रहे। सुबह उठकर देखा नर्मदा का पानी सुनहरा हो रहा था। थोड़ी देर में सूरज का लालछौहा गोला निकला। ज्यों ज्यों वह ऊपर चढ़ता गया, पानी में उसके प्रतिबिंब की चौड़ाई तो वही रही, लेकिन लंबाई बढ़ती गई और देखते देखते उसने एक दमकते स्तंभ का रूप ले लिया। यह तो मानो सूर्य का कीर्ति स्तंभ है। फिर तो मैं रोज सुबह शाम सूर्य चंद्र के सद्य निर्मित कीर्ति स्तंभ देखता। संसार के सभी कीर्ति स्तंभ एक ना एक दिन ढह जाएंगे, केवल यही 2 हैं, यावत चंद्र दिवाकरों रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़े, खेतों में ज्वार इतनी ऊंची थी कि पूरा हाथी गायब हो जाए। चांदला के बाद तवा नदी आई, हम तवा के किनारे किनारे आगे बढ़े। तवा और नर्मदा के संगम के निकट एक मंदिर दिखाई दे रहा था, पास लगता था, लेकिन वहाँ पहुँचते पसीना आ गया। यहाँ नर्मदा में खूब चट्टाने हैं, कितने दिनों बाद जलरव सुनाई दिया। उस तट के पहाड़ एकदम पास आ गए हैं। पहाड़ की छत्र छाया में 2 बड़ी नदियों का संगम बड़ा मनोरम लग रहा था। तवा का पाट बहुत चौड़ा है, नर्मदा से भी चौड़ा, उसमें पानी भी काफ़ी है। बड़ी मुश्किल से तवा पार की, संगम में स्नान किया और बांद्रा भान पहुँचे। यहाँ से सड़क मिल गई। होशंगाबाद अब ज़्यादा दूर नहीं। बाईं ओर तवा, दाहिनी ओर नर्मदा, बीच में सड़क, 2 तरफ 2 नदियाँ, एक आ रही है, दूसरी जा रही है, और बीच में हमारा रास्ता। होशंगाबाद पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। सीधे यहाँ के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट पहुँचे। यहाँ बहुत सारे परकम्मावासी थे, कई तो बाहर पेड़ के नीचे ठहरे थे। हमें एक धर्मशाला में अच्छी जगह मिल गई, तो यहाँ हमने 2 रात के लिए लंगर डाल दिया।